लोग खिलाफ है इसलिए रहने की जगह बदल देंगे। ये पेशेंट के बारे में मैं आज आपसे बातचीत करने वाला हूं। मेरा नाम है डॉक्टर दीपक केळकर। मैं मनोविकार सेक्स रोग सम्मोहन तथा व्यसन मुक्ति तज्ञ हूं। महाराष्ट्र में मुंबई पुणे अकोला यहां प्रैक्टिस करता हूं। क्या होता है कि स्किजोफ्रेनिया के पेशेंट रहते हैं मेंटली वीक, उनको मेंटली इलनेस हुआ रहता है, उनको स्किजोफ्रेनिया की बीमारी है और शुरू शुरू में वो समझ में नहीं आती। होता क्या है कि शुरू में, अभी जैसा मैं ये लड़की की बात कर रहा हूँ, शुरू शुरू में उनको ऐसा लग रहा था कि आजू बाजू वाले लोग सच्चे अच्छे नहीं है। उसके हस्बैंड को लग रहा था, क्योंकि उसकी बीबी जो है, मतलब पेशेंट जो है, वो बोल रही कि नहीं, वो मेरे तरफ, वो आदमी जो है ना मेरे तरफ देखता है और मेरे को इशारे करता है और वो आदमी अच्छा नहीं है बाजू वाला, ऐसा कुछ तो भी बोलती थी वो, या फिर वो लोग मेरे बारे में बात करते हैं। तो हस्बैंड को लगा सच्चे ऐसा होगा। वो एक बार तो उनको बोलने के लिए निकला था मगर गया नहीं वहां, उसको लगा झगड़ा हो जाएगा, जान लो, इसलिए वो उनको गया नहीं बोलने के लिए। तो फिर बोले हम जगह बदल लेंगे, घर बदल लेंगे, लोग अच्छे नहीं है। तो फिर उन्होंने जगह बदल दिया, जगह बदल दिया, नई जगह पे रहने के लिए गए, नए नए फ्लैट में रहने के लिए गए। और वहां जाने के बाद में 2 महीने तक अच्छा चला और तीसरे महीने में बोल रहे कि नहीं नहीं लोग अच्छे नहीं है, वो मेरे बारे में बात करते हैं, वो मेरे को देख के इशारे करते हैं। थोड़ा सिम्टम बढ़ गए थे और ज्यादा ही हो गया था वो। तब हस्बैंड को लगा भी कि नहीं, अभी ये कुछ भी गड़बड़ है। तभी भी उसके बोलने के खातिर बोले, नहीं ये तो यहाँ तो किया हुआ है, कुछ तो भी बाहर ही किया है, यहाँ तो नींबू बांध के रखा था, धागे बांध के रखे हुए थे, ये जगह बराबर नहीं, अशुभ जगह है ये, इसमें वास्तु दोष है, ऐसा मुझे मालूम पड़ा, अपने को जगह बदलनी पड़ेगी। तो उसने बोला ठीक है भाई, अभी चलो शादी भी नई नई हुई, अभी करते हैं, जगह बदल देते हैं। तो वो तीसरी जगह पे गए, वहां 2 महीने अच्छी रही और वहां फिर वही चालू हो गया। तब उसको लगा कि अभी तो ये पक्का प्रॉब्लम है, अब तो डॉक्टर के पास में जाना ही पड़ेगा। तो वो साइकेट्रिस्ट के पास में गए, वहाँ दवाई लिया मगर उसे फायदा नहीं हो रहा था। क्या होता है कि ये जो सिम्टम्स है इसको, ये पैरानॉइड स्किजोफ्रेनिया में धीरे धीरे, मतलब उसका लक्षण चालू हो गया था और वो धीरे धीरे पैरानॉइड स्किजोफ्रेनिया के लक्षण बता रहे थे। उनको भी हार्डकोर ट्रीटमेंट की जरूरत है, और हार्डकोर मतलब मैं समझता हूँ क्लोजापिन, हेलोपेरिडॉल, ऐसी दवाइयाँ। होता क्या है कि ये दवाइयाँ अक्सर लोग चालू करते नहीं है, हार्डकोर सिम्टम शुरू हो जाते हैं। और जो न्यूर एंटीसाइकोटिक है वो हम देते हैं, तो न्यूर एंटीसाइकोटिक में नई नई जो दवाइयाँ निकली है वो उतनी पावरफुली काम नहीं करती जितनी कि ओल्डर एंटीसाइकोटिक है। तो हमने फिर उनको बोला ठीक है, आपको तो अभी मेरे पास में जब आए तब उसको न्यूर एंटीसाइकोटिक चालू थे जो जरा इतना हार्डकोर सिम्टम पे काम नहीं करती है। और फिर वो हमने उनको एंटीसाइकोटिक दवाई दिया कि भाई खाना नहीं खा रही थी, ये रूम खाली कर देंगे, मतलब ये फ्लैट जो था ये खाली कर देंगे। और फिर बोलते हैं कि दूसरी जगह रहने के लिए ले जाएंगे, यहाँ के लोग अच्छे नहीं है, सोसाइटी के लोग अच्छे नहीं है। उसको लगता था कि लोग अपने बारे में बातें कर रहे हैं, अपने को देखते इशारे कर रहे हैं। पर तंबाकू उसने खाना चालू कर दिया। तंबाकू खाने से क्या हो रहा था कि मुंह में छाले हो रहे, उससे एपेटाइट पुअर हो रही थी, खाना नहीं। और फिर बीच बीच में ऐसे थोड़ा सा तारे टूटते थे, मतलब इरिलेवेंट टॉक, चिड़चिड़ापन और सस्पिशियसनेस, मतलब शक, लाइक लोग अपने बारे में बात कर रहे, अपने तरफ लोग देख के इशारे कर रहे। तो यह दवाई हमने जब चालू किया तो उसको काफी फर्क पड़ने लगा 15-20 दिन के अंदर। और उनको फर्क होने के बाद में बोले कि ठीक है, अभी दवाई कितने दिन चालू करनी है, चालू रखनी है, मतलब कम से कम आप 1 साल तक दवाई चालू रखो, क्योंकि अभी 6 महीने से ज्यादा हुआ है, ये पैरानॉइड स्किजोफ्रेनिया के लक्षण है, आप कम से कम 1 साल तक दवाई चालू करो, चालू रखो। और ये बोले दवाई लेंगे नहीं, मतलब फिर ऐसा करो लॉन्ग एक्टिंग एंटीसाइकोटिक्स है, मतलब 1 महीने में एक ही इंजेक्शन लगा दो, या और कोई इंजेक्शन है सस्ते वाले वो 3 हफ्ते में एक इंजेक्शन लगा लो। तो क्या है कि रोज दवाई लिया कि नहीं, दवाई लिया कि नहीं, पीछे लगना नहीं पड़ता है और फिर वहां से पेशेंट अच्छे हो जाते हैं। तो वो उनको महीने का इंजेक्शन दे दिया मैंने कि जो 1 महीने में एक ही बार लेना है, और उससे वो मेंटेन रहने लगे काफी अच्छा। आपको अच्छा लगा तो जो लोगों को शेयर करो, लोगों का भला हो जाएगा। हमारा जो मिशन है वो है सबके लिए मानसिक स्वास्थ्य और व्यसन मुक्त भारत, इसमें आप भी हमारे पार्टनर बन जाएंगे। थैंक यू वेरी मच। गूगल स्टोर से आप डॉक्टर केळकर ये नाम का ऐप डाउनलोड कर सकते हैं और ये ऐप में आप फ्री चैटिंग कर सकते हैं, अलग अलग ऑनलाइन कोर्सेस है वो डाउनलोड कर सकते हैं और बहुत ज़्यादा अपने खुद के लिए फायदा उठा सकते हैं। थैंक यू।